सो हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो इसके पहले आपने व्लॉग देखा, मैंने श्रीमद् भागवत कथा का व्लॉग डाला था। उसके बाद मैंने कहा था कि जो बची बाकी सारी चीज़ें हैं उसको मैं नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगी। तो श्रीमद् भागवत कथा समाप्त होने के बाद जब एक दो दिन बचे थे हम लोगों के पास, तो सबने सोचा कि कहीं कहीं घूम के आते हैं। तो हम लोग आए थे यहाँ आश्रम, जो गुरु महाराज हम लोगों जो कथा कह रहे थे उनका आश्रम वहीं नज़दीक में ही था। तो सबने सोचा कि सब अपने अपने घर जाने से पहले उनका आश्रम एक बार देख के आते हैं, उनसे मिल के आते हैं। तो हम लोग यहाँ आए थे, तो आपने देखा कि बहुत बहुत मज़ा आई थी। सबने पहले गंगा जी नहाया, क्योंकि वहीं पास में आश्रम के बगल में ही गंगा जी भी थी। और यहाँ आए थे सब लोग दर्शन करने। तो यहाँ 108 शिवलिंग हैं, तो सबने इनके दर्शन किए। और ये देखिए, ये इनका पूरा गुरु महाराज का ये आश्रम है, बहुत बहुत बड़ा आश्रम है। यहाँ मंदिर बनी हुई है, बाकी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस तरह से शो कर रही हूँ। तो यहाँ भी बहुत अच्छा लगा था। यहाँ हम लोग आए थे दोपहर में और एक दो घंटे यहीं थे। सबसे पहले तो सबने गंगा जी नहाया, बहुत देर तक सबने गंगा जी नहाया, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी और ऐसे में था कि सब लोग नहा भी लें बहुत दिनों बाद। उसके बाद सब आए थे आश्रम में गुरु महाराज के दर्शन करने। तो अभी हम सब जा रहे हैं ऊपर गुरु महाराज के दर्शन करने। तो वहाँ का मैंने कोई भी क्लिप नहीं रिकॉर्ड किया था, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी शांति बनी थी। सब लोग चुपचाप बैठे थे, दर्शन कर रहे थे, जो गुरु महाराज बोल रहे थे वही सब सुन रहे थे। उसके बाद हम लोगों का प्लान बना कड़े माता दर्शन करने का, क्योंकि हम लोगों के घर के नज़दीक में ही कड़े माता हैं। उनको अलग अलग नाम से सब जानते हैं, कोई शीतला माता कहता है, कड़े माता कहते हैं। तो हम लोग वहाँ गए थे, तो ये है वहाँ की क्लिप रास्ते की। तो क्योंकि वहाँ जाने के लिए इधर देखो, हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू लगा हुआ अपने पिताजी को फोन कर दिया, बोले पापा
वहाँ जाने के लिए गंगा जी पार करके उस पार जाना पड़ता है, तो हम लोगों के घर से गंगा जी पार करनी पड़ती है, तो हम लोग अभी रास्ते में ही हैं। और पूरा परिवार गया था दर्शन करने के लिए, 3 गाड़ियाँ गई थी, तो इस वाली गाड़ी में बस हम ही लोग थे, इतने सारे लोग थे। बाकी सारे लोगों से मैं आपको आगे मिलाऊँगी या फिर आपको दिखाऊँगी कि कितने सारे लोग गए थे, 3 गाड़ियाँ भर के गई थी। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर के पास में, तो यहाँ सब ने सबसे पहले हाथ मुँह धोया, अच्छे से फ्रेश हुए, तो यहाँ ऐसे पास में हैंडपम्प था तो सबने हाथ मुँह धोया। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ, जो पंडा होते हैं वो लेके गए थे अपने साथ में, तो वहाँ जो सारी पूजा की चीज़ें होती हैं वो उन्होंने दिलाया। उसके बाद वो खुद ही ले गए थे हम लोग को दर्शन आने, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, इस तरह से फिर अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते, और पंडा साथ में रहते हैं तो अच्छे से दर्शन करा देते हैं। इसके बाद दर्शन करने के बाद हम सब बैठ गए थे गेट के पास, और सबने खूब सारी फ़ोटो वीडियो और जो इंस्टेंट फ़ोटो बनती है वो भी हमने बनवाई थी। तो ये सारी चीज़ें हमने की, बहुत मज़ा आई। और इसके जस्ट बाद हम लोग आए थे मनगढ़ मंदिर, क्योंकि एक ही दिन में सारी चीज़ें इसलिए एक्सप्लोर कर रहे थे, हम लोग तो मान लीजिए यहीं के हैं, लेकिन मामा जी लोग हैं वो बाहर से आए थे, वो सब गुजरात में रहते हैं, और बाकी सारी जो दीदी हैं वो भी बाहर ही रहती हैं, तो इसलिए सबको ये था कि एक ही दिन में सारी चीज़ें देख ली जाएँ, दर्शन कर ली जाएँ, सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली जाएँ। हम लोग तो फिर भी बहुत बहुत बार यहाँ आ चुके हैं, मनगढ़ मंदिर आ चुके हैं, क्योंकि हम लोग के घर के बहुत ज़्यादा नज़दीक में है, तो इसलिए उन सब के साथ हमने भी एक बार फिर से दर्शन कर लिए, क्योंकि साथ में थे तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ऐसे कभी मौका मिलता है नहीं। तो ये देखिए, ये रहा हमारा मनगढ़ मंदिर जो कृपालु महाराज जी ने बनवाया है, बहुत 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 सुंदर मंदिर बना है। अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर से आके यहाँ दर्शन करें, देखें, बहुत ज़्यादा अच्छा बना है मंदिर। जैसा कि कुछ कुछ वृंदावन में प्रेम मंदिर बना है, उसी की तर्ज में ये मंदिर बना है यहाँ मनगढ़ में, तो आप एक बार ज़रूर से आके इसको एक्सप्लोर करें, देखें, आपको ज़रूर से अच्छा लगेगा। तो ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर से पसंद आएगा। और यहाँ मैं आगे कुछ वहाँ की और घर की कुछ फ़ोटोज़ भी अटैच कर दे रही हूँ, जो कि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करें, मेरे चैनल पर कोई नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच, बाय।